नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो। और आज के पांच शेयर्स आपको जो बताऊंगा मैं, पांच शेयर्स आपको ये अभी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले मैं आपको शेयर बता दूं। देखिए अभी वैसे भी अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी 9 बजे खुलेगा और शेयर ओपन होगा। तो अदानी पोर्ट्स, एलम्बिक, बजाज फिनसर्व, PVR और VDL, आप इसके दो दो शेयर ले सकते हैं। आप अगर मैं शीट में भी यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इनके दो दो शेयर हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, जानबूझ के लेंगे, क्योंकि बजाज फिनसर्व अभी स्प्लिट हुआ है और इसको मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया था। आपको बीच में पता होगा कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स ने काफ़ी भयंकर रिकॉर्ड तोड़ा अपना। काफ़ी दिनों से शांत बैठे हुए थे, जो मैं हमेशा बीच बीच में बोलता था, रिकमेंडेशन नहीं किया मैंने उसको, पोर्टफोलियो में भी नहीं डाला, बट वेदांता ने अभी गेम खेला है। मैं ये बोलूंगा कि पंप एंड डंप किया है, बट मैं वेदांता को फिर भी ऑब्जर्व करना चाहूंगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में उनकी फैक्ट्री आ रही, भले उनकी दूसरी कंपनी है सिस्टर कंसर्न, जिसका उन्होंने अनाउंस किया, बट उन्होंने अपना नाम नहीं लिया था कि कौन सी कंपनी का आ रहा है। बाद में उन्होंने शाम को बताया कि वो, तो वेदांता के शेयर वापस डाउन हुए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी प्रॉफिट बन चुका था निगेटिव से पॉजिटिव का, तो मैंने ऑलरेडी उसको सेल कर दिया था। जैसा मैंने बोला 10% से ऊपर जाता है मैं GTT लगा देता हूँ, भले वो 8% बिक जाए, 2% माइनस में GTT लगा देता हूँ। तो आज के मेरे रिकमेंडेशन है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल जोन, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, जो कि अपने 52-week लो पे चल रहा है। बजाज फिनसर्व अभी आपके लिए अफोर्डेबल है। कई बार कई लोग बोलते थे कि यार बहुत महंगा पड़ता है, 17,000 का शेयर, 15,000 का शेयर कैसे लें, तो भाई अभी आपके रेंज में आ गया है। यहाँ 1-1 रुपए जो दिखा है वो नहीं है, वो उनकी प्राइस अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्राइस है। और बजाज फिनसर्व PVR आप ले लो, PVR भी ठीक ठाक है, बट चलो दिखेंगे। और ये मत देखना प्लीज, आप इन सबको मत देखना, यहाँ पे देखोगे आप तो डेफिनेटली यहाँ पे 114% ये सब बढ़े हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट अगर आप इनको देखोगे तो इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो प्लीज़ इनमें से कोई मत लेना, ये पूरे रिस्क के शेयर होते हैं। इनके अपोजिट इनके भाई भी हैं जो इतने ही परसेंट निगेटिव में भी चल रहे हैं, तो ये सब इसमें से कुछ शेयर्स जो रहते हैं ये मेरे वैसे ही रहते हैं, जस्ट मैं कहते हैं ना कि ये प्यादा होना चाहिए, प्यादा कभी कभी बहुत फ़ायदा कर देता है, तो ये प्यादे तो नहीं मैं कह सकता हूँ, बट एक ऊट टाइप का है जो बहुत कम यूज़ हो पाता है, बट ठीक है, ना कि ये घोड़ा है, ना ही वजीर है, ना ही प्यादा है, प्यादा भी इम्पोर्टेंट होता है, बट यस इम्पोर्टेंस है इनकी, थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो में बहुत फ़र्क डालते हैं। आप देख सकते हो कि 114% कमा लेना बहुत फर्क पड़ता है, यानी 1,000 रुपये डाले हो 1,200 रुपये एक्स्ट्रा, बट ये सब प्लीज़, ये सब मेरे रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे रिकमेंडेशन ये रहते हैं, ये तो जस्ट ऐसे खेता हूँ, और मैं ये रिकमेंड इनको रिकमेंड भी नहीं करूँगा आपको। तो ये पांच शेयर हैं आज के, चलिए बंद करते हैं। बस इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं समरी भी दिखाऊंगा कि मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, जो मैंने Project 1 चालू किया, Project 2 चालू किया था 5 शेयर 300 डेज में, जिसमें टारगेट था कि 300 डेज में 10% मुझे मिनिमम कमाना है, तो वो कहाँ तक पहुँचा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 5 शेयर हमेशा मिलते रहेंगे, जिनको आप बाई कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। प्लीज़ शेयर मार्केट एक रिस्क का फैक्टर होता है, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे सही एंट्री की तो कभी 99% आपको रिस्क नहीं रहेगा, अगर आपने अपना भी एनालिसिस किया है। तो चलो अपना एनालिसिस में हम बात करते हैं, VDL ने जो गेम खेला है उसके बेसिस पे देखते हैं कि VDL का क्या ओपिनियन बन रहा है। तो आज हम दो शेयर करेंगे, एक VDL करेंगे और करेंगे PVR, ठीक है। चार्ट में भी देख लेते हैं, तो चार्ट में आप देखोगे तो ये डाउन 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 गए हैं, यहाँ पे अब गया था, बट जैसे ही उन्होंने शाम को बताया कि नहीं उनकी होल्डिंग्स कंपनी है, यहाँ देखो यहाँ पे अप में ओपन हुआ था, यानी जो प्राइस इनकी थी वहाँ पे बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट ये खटा मतलब भयंकर बढ़ा। ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं आपको इसको 1 डे के चार्ट में दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे तुरंत ही बढ़ा, लेकिन जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया कि नहीं वो उनकी होल्डिंग्स कंपनी है, तो ये तुरंत ही डाउन होकर यहाँ पे 50% पे आ गया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और मैंने करीबन 310 पे बेच दिया था इसको, 310 पे बेच दिया था, 290 में है तो ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो ये काफ़ी फिर भी अभी भी अप पे है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसका ये देखना चाहें कि इनका टेक्निक फंडामेंटल कैसा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, कंपनी तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ अंदर चल रहा है, जो काफ़ी गेम खेल रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं पता कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि गेम खेलना गलत होता है आप, क्योंकि हम लोग आप पे विश्वास करके आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर छोटी मोटी और मीडिया भी ऐसा करती है कि कवरेज कर लिया बढ़ गया पूरे चीज़ छुपाती है, तो हम लोग भी यही बोलते हैं हमेशा कि आप अपनी भी डिटेल्स रखो। आई डोंट नो कि वो प्रॉब्लम कहाँ से हुई थी, वो सही में इनके द्वारा हुई थी, मैंने वो डायरेक्ट इनका अनाउंसमेंट नहीं देखा है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो मीडिया की गलती हो गई कि
इनकी गलती थी, चलो उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो विदाउटा को हम एनालाइज कर लेते हैं। देखिए अभी 9/11 हो रहा है, तो मुझे अभी इसके बाद अपनी ट्रेडिंग भी शुरू करनी है, तो मैं फिलहाल आपको छोटा सा जाऊंगा यहाँ पे 5 मैक्सिमम आपको दिखाता हूँ, और रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न तो आप देख सकते हो कि क्या है, लेकिन आप 1 वीक का देखो, 1 मंथ का देखो, 8% सॉरी 1 वीक का, 1 मंथ का 9% दिया है इसने, कोई बुरा नहीं है, 1 साल का कम है, ठीक है, 5 साल का अच्छा रिटर्न नहीं है, यानी जो शुरुआत की थी वो कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पे डाउन हो गई है पिछले सालों में, लेकिन फिर भी जो 2020 में जनवरी 20 में थे उससे तो बेटर अभी परफॉर्मेंस है। अगर वही आप SIP का इनका रिटर्न देखोगे, SIP में अभी भी आप ऊपर हो और ये ऊपर ही जा रहा है, तो फिर भी ठीक है। इनके फोरकास्ट में जाते हैं, मेरे पास 75% लोग अभी भी इसको बोल रहे हैं, 16 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ले लो, और 17 मैंने भी बोला कि थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा लो, जब भी ये डाउन जाए तब आप इसमें थोड़ा सा ऐड करना, बट डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उसका क्या चल रहा है, ऐसे नहीं कि जस्ट निगेटिव गया तो आपने ऐड कर लिया। तो मैं बस इतना ही आज जाऊंगा इस पे ही, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, 9:12 हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको तुरंत ही बाई कर लें 5 शेयर्स को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, आप सबका दिन शुभ हो।